अब ये सब तो हो गया, अब करना क्या है बॉस? क्या हो गया ये? क्या हो गया? मम्मी क्या कहेंगी? मम्मी क्या सोच रहे होंगे? बॉस अभी 2 मिनट सांस ले लो, थोड़ा सुकून कर लो, इसलिए आगे बैठे हैं हम। सोच लो अभी करना क्या है। वो ये सोच रहे होंगे कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ, अल्लाह माफ करे। अभी तो बहुत बातें सुनाएंगी अम्मी को, और अम्मी कैसे बर्दाश्त करेंगी? और भाई वो तो मेरी हाशिया कर देंगे। मुझे मार दे, मुझे नहीं जिंदा रहे। अरे बॉस ऐसी मनहूस बातें तो नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना। तुम पागल हो, कुछ ठीक नहीं होगा। वो लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे। तो फंस गई हूँ, घर वापस भी नहीं जा सकती। पता नहीं वो क्या कह रहा होगा उनसे। मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह भी नहीं है जहां मैं जा सकती हूँ। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। बॉस एक जगह तो है वैसे। क्या होटल? नहीं बॉस, मेरा घर। तुम्हारा घर? मैं पागल नहीं हूं जो तुम्हारे घर जाऊंगी। इस वक्त वैसे उससे अच्छी जगह है नहीं बॉस। नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे घर। और चले चलो ना बॉस, अब अभी मैं अकेला तो छोड़ नहीं सकता आपको, और वहां पे अम्मा और बहन है मेरी, आप महफूज रहोगी। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, मैं यही ठीक। ठीक है फिर यहीं बैठे रहते, ऐसे भी इस टाइम पुलिस राउंड लगाती है, वो साथ पकड़ेंगे तो संभाल लेंगी ना। चलो ना बॉस, वैसे भी आप जानती हो ना आपको मेरे पे भरोसा है, तभी तो आपने मुझे फोन किया ना। चलो ना बॉस। तुम्हारी अम्मी पूछेंगी तो क्या कहोगे? सच कहूंगा और क्या कहूंगा, हमने कुछ गलत किया जो मैं झूठ बोलूं? और वैसे भी अम्मी आपको बहुत पसंद करती हैं। चलो ना।